नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त कार्यालय के सामने गुरुवार को पार्षद एकता संघर्ष समिति नगर निगम गोरखपुर के बैनर तले विभिन्न वार्डों के पार्षद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। धरने पर बैठे पार्षदों ने महापौर और नगर आयुक्त पर आरोप लगाते हुए वार्डों में विकास कार्यों के लिए धन आवंटन न किए जाने का आरोप लगाया। पार्षदों ने अपनी मांगों से पार्षद के प्रस्ताव पार्षद वरीता का क्रम में वार्डों में विकास कार्यों के लिए 40-40 लाख रुपए कराया जाए, सफाई व्यवस्था पुरानी पद्धति पर कराया जाए, अंदरूनी वार्ड में अस्थाई सफाई कर्मचारी लगाया जाए एवं बाहरी वार्ड में ठेके पर कार्य कराया जाए, साथ ही पेयजल संकट जल निकासी की व्यवस्था महानगर गोरखपुर में की जाए। धरने में मुख्य रूप से विभिन्न वार्डों के पार्षदगण सनी कुमार चौहान, राम लौट निषाद, जियाउल इस्लाम, संजय यादव, अफरोज गब्बर, लाल बहादुर पासवान सहित पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुरनी से बात करते हुए पार्षद व कार्यकारिणी के सदस्य सन्नी कुमार चौहान ने कहा, रवि कुमार चौहान, पार्षद कृष्णा नगर, कार्यकारिणी मेंबर नगर निगम गोरखपुर। हम लोग का सबसे बड़ा मांग ये है कि हम लोग के बोर्ड की गठन हुए 1.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और 1.5 वर्ष पूरे होने के पश्चात अभी तक 70 वार्ड के किसी वार्ड में कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। 23 तारीख को हम लोग ने धरना प्रदर्शन नगर निगम में किया था और 25 तारीख को मंडल आयुक्त से मुलाकात किया गया था और आज फिर हम लोग धरना पे बैठे हैं। हम लोग की मांगे हैं कि नगर निगम 70 वार्ड में कम से कम 40-40 लाख रुपए का काम चौदहवा वित्त और अवस्थापना से कराए, जिससे वार्डों की सड़क और नाली की सुधार हो सके। चूँकि 1.5 वर्ष हो गए हैं, इस वजह से जनता हम लोग बहुत स्थिति खराब है वार्डों की और लगातार हम लोग धरना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर अधिकारी नगर निगम की हम लोग की बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग उनका जीना हराम कर देंगे और हम लोग लगातार प्रयास है कि हम लोग ये धरना को अनिश्चित काल तक चलाएंगे, जब तक जनहित का ये मामला पूरी रूप से हल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस धरने को चालू रखेंगे। और बीते कुछ दिनों तक, अगर 10 दिन तक ये धरना चलेगा और उसके पश्चात अगर नगर निगम की आँख नहीं खुली, नगर आयोग की आँख नहीं खुली, तो हम लोग अमर अनशन करने पे मजबूर हो जाएंगे।